Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to very important points and very important topic like Infosys Cognizant. Infosys plans to hire 50,000 freshers in 22. So Infosys की बहुत बड़ी hiring चल रही है और आप सभी को पता है Infosys ने अभी पिछले ही मंथ और थोड़े मंथ में बहुत ज्यादा हायरिंग करी है फ्रेशर्स बैच को, बट कैंडिडेट्स आर आस्क सो मेनी क्वेरीज दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निजेंट आल्सो. लाइक कॉग्निजेंट की इंफ्रा एग्जाम आई थी 22 बैच के लिए और ग्रेजुएट बैच के लिए. सो मेनी कैंडिडेट्स नॉट रिसीव्ड द मेल. डोंट वरी अबाउट दैट. अगर कोई एग्जाम का अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. बट कब कॉग्निजेंट हायर करेंगे अगेन 22 बैच को? कुछ मिस्टेक्स को नहीं करना है और सिलेक्ट होना है हायरिंग में इस बार, क्योंकि देखिए आगे अपॉर्चुनिटीज आएगी या नहीं आएगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. मैं आपको यहाँ पर बता दूं, चैनल पे काफी सारी वीडियोज है, ठीक है, देखिएगा जरूर, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी. अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन्फोसिस प्लान्स कर रहे हैं 50,000 फ्रेशर्स को 22 में, रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर ग्रोथ. देखिए ये यूं इसलिए होता है क्योंकि कंपनी नए नए टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और इसी के साथ साथ आप कंपनी में अप्लाई कर सकें अच्छे से और हमेशा कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिले. तो मेरे आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करना है. इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊं, उन्होंने न्यूज में मेंशन कर रखा है आईटी जायंट इंफोसिस हैज रिपोर्टेडली हायर्ड 85,000 न्यू एम्प्लॉयज इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर एंड एक्सपेक्ट टू हायर अप टू 50,000 इन द करंट फिस्कल. मतलब 85,000 पहले से ही हायर कर लिए, 50,000 अब और हायर करेंगे. एट्रीशियन रेट बढ़ रहा है तो इन्फोसिस टीम जो है वो यहाँ पर फ्रेशर्स बैच को हायर करेंगे. और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन्फोसिस हायर्ड अप 54,396 एम्प्लॉय और ये कंपनी स्टेट कर रहे हैं कि वो 50,000 मोर फ्रेशर्स को FY23 में हायर करें. अब वो 23 बैच की भी हायरिंग हो सकती है, 22 बैच की भी हो सकती है, 21 और 2020 बैच की भी हो सकती है. तो 85,000 हायरिंग हुई है इस ईयर दोस्तों, बहुत अच्छी बात है. और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉग्निजेंट कब हायर करेंगे अगेन 22 बैच के को. उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है. फेक लिंक पे कभी भी रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, उससे आपकी डिटेल्स जाती है. डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करके हम एग्जाम तो दे देते हैं पर हम ये नहीं जान पाते कि हमने प्रीवियस वाले फॉर्म में हमारी कुछ डिटेल्स दी थी वो सेम है, उससे कंपनी हमें आइडेंटिफाई कर लेती है. फिर काफी सारे कैंडिडेट्स को मेल नहीं आता है. तो एक बात ध्यान रखना है, लेस प्रिपरेशन. मैंने क्यों लिख रखा है लेस प्रिपरेशन? काफी सारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं एग्जाम के टाइम, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है या हमें कहाँ से एग्जैक्टली उस चीज को पढ़ना है. तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है. देखिए ये सारी चीजें आप सभी के लिए है. प्लेसमेंट प्रिपरेशन हम आप सभी के लिए करवाते हैं, हमारी टीम जो है वो आप सभी के लिए प्लेसमेंट की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आगे भी बनाएंगे. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई रिसोर्सेस चाहिए, जैसे टेक महिंद्रा की भी एग्जाम है तो मैं सोच रहा हूँ कि कल एक वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आपको सारी चीजें बता दूं. तो हमेशा हम आप सभी की मदद करेंगे, पर आप सभी को भी अपने एफर्ट्स लगाने हैं जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाए. कॉग्निजेंट का कोई मेल नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हायरिंग मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट हायरिंग मोस्ट प्रोबेबली जेंसी की हो सकती है. ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो सपोर्ट का रोल था. अगर आपको सपोर्ट में काम करना है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चल रही है चैनल पे, उसमें अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर जेंसी का रोल आएगा तो उस टाइम हम लाइव सेशन रखूंगा मैं, जिसमें हम लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे और देखेंगे. और वो गलती नहीं करना है बस आपको. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले अपकमिंग मंथ में हायरिंग बहुत जल्दी आएगी कॉग्निजेंट की और बहुत अच्छे रोल्स के लिए हायरिंग आएगी, पैकेजेस के लिए आएगी. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी हायरिंग चल रही है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी अप्लाई कीजिए. वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर से कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.